मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ करके। क्लास डेली चलता है, सिर्फ संडे को छोड़ करके आप लोग मेरे साथ रोज़ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा लीजिए। डेली 10 क्वेश्चन का सेट लगा लीजिए, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो रहता है वो सारा 10 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रहता है और 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहता है। आपको हम डेली 10 क्वेश्चन बताते हैं, सिर्फ संडे को छोड़कर। आप लोग मेरे साथ रोज रात 9 बजे 10 बजे जुड़ जाइए। आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि 31 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप क्या कीजिए, गौर से देखिएगा। ऐसा सवाल जब भी रहे जब डेट सेम हो, देखिए यहाँ भी 31 जनवरी है, यहाँ भी 31 जनवरी है, डेट तो दोनों जगह सेम है। देखिए, यहाँ भी 31 जनवरी है, यहाँ भी 31 जनवरी है, खाली ईयर चेंज हो रहा है। यहाँ 2001 है, यहाँ 2003 है। देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहे जो कि डेट सेम रहे, दोनों जगह डेट सेम रहे और ईयर चेंज हो रहा हो, तो इसका दो तरीका हम आपको दोनों तरीका बताते हैं कि आपको क्या करना। देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहे जो दोनों जगह डेट सेम रहे और ईयर चेंज हो रहा हो, तो देखिए आप क्या कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईयर दिया हुआ है ये लीप ईयर है या नहीं है। देखिए, 2001 जो है ये 4 से भागा लग रहा है क्या, 2001 में 4 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। देखिए, लीप ईयर नहीं रहे और आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, और जब लीप ईयर रहेगा तो एक ईयर आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, दोनों बात बताते हैं। देखिए, डेट तो दोनों जगह सेम है, 31 जनवरी है, 31 जनवरी है, ठीक है। यहाँ पे 2001 है पूछ रहा है, तब तो वही डेट को 31 जनवरी को ही 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए, अब ये तो लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग नहीं लगा तो लीप ईयर नहीं है। अब जब लीप ईयर नहीं रहे और एक ईयर बढ़िएगा, 2002 आते हैं हम, 2001 से 2002 में जाइएगा। देखिए, तो ये 2001 तो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है और जब आप एक ईयर बढ़िएगा, जब लीप ईयर नहीं रहे और एक ईयर बढ़िएगा और डेट सेम रहे तो एक दिन बढ़ जाता है। देखिए, 31 जनवरी 2001 को सोमवार है यदि, तो 31 जनवरी 2002 को क्या होगा। देखिए, ये लीप ईयर नहीं है तो एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार था तो 31 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए, यहाँ पे डेट यदि सेम रहे और लीप ईयर नहीं रहे तो एक ईयर आगे बढ़िएगा तो एक दिन बढ़ेगा, और लीप ईयर रहता और एक ईयर आगे बढ़ते तो वहाँ पे उस स्थिति पे दो दिन बढ़ता, तो यहाँ लीप ईयर नहीं था तो 31 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, मंगलवार एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि लीप ईयर ये नहीं है और लीप ईयर रहता तो दो दिन बढ़ जाता। अब देखिए, फिर 2002 से हम लोग को जाना है 31 जनवरी, हम लोग को जाना है 31 जनवरी 2003 में हम लोग को जाना है। तो देखिए, 31 जनवरी 2001 को सोमवार है तो देखिए दो में आ गए हम लोग, ये लीप ईयर नहीं था तो एक दिन बढ़े, मंगलवार हो गया यहाँ। अब फिर 2002 को देखिए, 2002 लीप ईयर है क्या, 2002 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। तो 2002 यदि लीप ईयर नहीं है तो फिर एक साल आगे बढ़िएगा, तो हम बोले हैं यदि लीप ईयर नहीं रहे और एक साल आगे बढ़िएगा तो एक दिन बढ़ेगा, और लीप ईयर रहे और एक साल आगे बढ़िएगा तो वही डेट को दो दिन बढ़ता है। ठीक है, तो डेट तो सेम है तो लीप ईयर ये भी नहीं है। तो यार, 2002 से 31 जनवरी 2002 से फिर 31 जनवरी 2003 में जाइएगा तो लीप ईयर तो 2002 लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ भी इस स्थिति में एक दिन बढ़ेगा, यहाँ मंगल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, देखिए 31 जनवरी 2001 था, पूछ रहा था 31 जनवरी 2003 को। ठीक है, चूंकि डेट सेम है और ये लीप ईयर नहीं है तो एक, देखिए 2002 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम 2003 लिख देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए 31 जनवरी 2001 है, यहाँ हम लोग को पूछ रहा है 31 जनवरी 2003 को पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, देखिए डेट तो 31 जनवरी डेट सेम है, ईयर चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा में क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा लीप ईयर है या नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं रहे और एक ईयर बढ़िएगा तो एक दिन बढ़ेगा, और लीप ईयर रहता और एक ईयर आगे बढ़ते तो दो दिन बढ़ता, तो ये लीप ईयर नहीं है तो
एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ गया। अब ये भी लीप ईयर नहीं है, यहाँ एक दिन 2002 में पहुँच गया हम लोग, तो 2002 को थोड़ी पूछ रहा है, 2003 का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ लीप ईयर नहीं था तो एक ईयर बढ़े तो एक दिन बढ़ा, अब ये भी लीप ईयर नहीं है और 2002 से 2003 में बढ़िएगा वही डेट को, तो लीप ईयर नहीं है तो एक ही दिन बढ़ रहा है, यहाँ पर भी देख लीजिए। और लीप ईयर होता दो दिन बढ़ता तो यहाँ भी लीप ईयर नहीं है तो एक ही दिन बढ़ेगा। अब एक एक कितना दिन हो गया, दो दिन हो गया। तो यहाँ जब सोमवार था 31 जनवरी 2001 को, तो 31 जनवरी 2003 को क्या हो जाएगा, सोमवार में दो दिन जोड़ दीजिए, मंगल और एक बुध, यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, 31 जनवरी 2003 को क्या हो जाएगा, बुधवार। बुधवार यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है भीन को चुनिए, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, 10 क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखा कीजिएगा। देखिए पहले आप लोग इसमें दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, जीके टाइप भी क्वेश्चन है, कि कौन सा भीन को चुनिए, चारों में से कौन सा अलग है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और महानदी, तो चारों में से कौन सा अलग है, नर्मदा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसे सर जी। देखिए कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये तीनों जो नदी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये तीनों जो नदियां हैं ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये तीनों नदी पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। हम लोग का इसीलिए चारों में से भिन्न कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, नर्मदा हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत बाघ तो नेपाल वाट, क्या होगा, भारत बाघ तो नेपाल क्या होगा, SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन है मोर, डॉल्फिन, बाघ और गाय। देखिए भारत बाघ है तो नेपाल वाट क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप लोग अच्छा जानते होंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। उसी तरह से नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, जबकि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है, हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आगे है चार नंबर क्वेश्चन है, 49 है, 216 है, 36 है, तो यहाँ पूछ रहा है वाट क्या होगा। SSC MTS 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है 25 125 625 3125। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए, आंसर तो बाद में देख ही लीजिएगा, पहले अपने से कोशिश कीजिएगा तब ना आपका माइंड भी तेज होगा। देखिए दिमाग लगाने से क्या होता है, जितना आप लोग मैथ पढ़ने से क्यों बच्चा का माइंड बढ़ता है, जितना आप लोग जो भी चीज़ में दिमाग जिसमें लगता हो, जितना दिमाग लगाइएगा उतना दिमाग बढ़ता है, जितना दिमाग का खर्चा कीजिएगा उतना इंसान का दिमाग बढ़ता है। तो पहले आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, आंसर तो बाद में देख ही लीजिएगा, नहीं निकले तो निकल जाए तो आपका माइंड भी तेज हो रहा है, आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। देखिए 49 है तो 216 है, 36 है तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा 49 जो है, 49 किसका गुणज होता है, 49 को कैसे हम लोग लिखते थे, 49 सात गुना सात 49 होता है, 37 39 सात गुना सात 49 होता है। ठीक है 216 कैसे होता है, 216 होता है 6 का क्यू होता है 216। 6 को हम लोग यदि 3 बार गुना कीजिएगा, आप लोग 6 को यदि 3 बार गुना कीजिएगा तो 216 होता है, 6 का क्यू होता है 216। देखिए आप लोग कम से कम 20 से 30 तक स्क्वायर और क्यू जरूर याद रखा कीजिए, आपका एग्जामिनेशन हॉल में बहुत टाइम बच जाएगा, इसमें मैथ उत बनाने में आपका बहुत टाइम बच जाएगा जब आपको स्क्वायर और क्यू याद रहेगा, नहीं तो आप 1 घंटा से भी आपको पता ही नहीं रहता 216 6 का क्यू होता है, तब आप 1 घंटा से इसको निकालते ही रहते कैसे होता, तब तक में आपका कितना क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है देखिए 49 7 गुना 7 होता है, 7 गुना 7 49 हो जाएगा, 216 कैसे होता है, 216 6 का क्यू होता है, 6 को 3 बार गुना कीजिएगा 216 होगा। ठीक है तो 36 कैसे होता है, 6 गुना 6 36, 6 का स्क्वायर होता है 36। देखिए क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं, ये 7 गुना 7 है, इससे ये बन रहा है, तो आपको इससे पूछ रहा है कैसे बनेगा। देखिए इससे ये कैसे बन रहा है, देखिए
सात गुना सात 49 होता है। अब यहाँ सात का पहाड़ा चल रहा था, सात गुना सात, इससे आपको आगे एक कम करना है, सात से एक घटाइए कितना हुआ 6। और यहाँ दो बार गुना हो रहा था, यहाँ तीन बार गुना होगा। देखिए यहाँ सात से यदि दो बार गुना हो रहा था तो आगे क्या हो रहा है, एक बार एक घट जा रहा है, सात में एक घटे 6 हो जाएगा, सात से एक घट जा रहा है। यहाँ दो बार गुना हो रहा था, सात गुना सात दो बार गुना हुआ, सात गुना सात दो अक्षर है, यहाँ पे तीन अक्षर हो जाएगा, एक अंक घट के और तीन बार अक्षर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए ये से ये बन गया तो इससे 36 से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या है 6 गुना 6 36, ठीक है 6 गुना 6 36। देखिए सात था, सात से एक घटा 6 बन गया, और दो था, दो को गुना में था या तीन गो में होगी, तीन को गुना में हो गया। यहाँ 6 है, 6 से एक घटे 5 होगा, ठीक है। और यहाँ दो 5, देखिए 6 दो बार, दो अंक है 6, यहाँ दो अंक है, फिर तीन अंक हो गया, यहाँ दो अंक है, अब इसे एक घट के तीन अंक हो जाएगा। यहाँ पे 6 था तो एक घट जाएगा 5 हो जाएगा, और तीन बार गुना हो जाएगा। तो 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू होता है 125। 5 का क्यू देखिए 25 25 25 125, 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 125, यहाँ पे है बी नंबर आंसर हो जाएगा 125। पाँच नंबर क्वेश्चन है, 3 है, 6 है, 4 है, 1 है, 15 है, 4 है, 7 है, 2 है, 5 है, 19 है, 2 है, 3 है, 9 है, 1 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट बीच में क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन है 16 17 18 19। देखिए आप लोग अपने से निकालने का पहले कोशिश कीजिए, देखिए तो इसमें क्या रहा, बहुत हल्का सवाल है, आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत ही हल्का सवाल है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, आप लोग क्या कीजिए, सब बाहर वाला को जोड़ दीजिए। देखिए सब बाहर वाला को जोड़ना है, देखिए 3 है, 6 है, 4 है और 1 है, हम लोग क्या किए सब बाहर वाला को जोड़ दिए, ठीक है। देखिए कितना हुआ, 3 और 6 9, 9 4 13 और 1 14, और क्या कीजिए अपने मन से एक जोड़ दीजिए। देखिए हम लोग क्या किए, सब बाहर वाला को जोड़ दिए, 3 है, 6 है, 4 है और 1 है, सबको लिख दिए, सबको जोड़े, सब बाहर वाला को जोड़िएगा, इतना है सब बाहर वाला, सब बाहर वाला को जोड़ कितना हुआ 14 हुआ, 14 हुआ, और एक अपने मन से जोड़ दीजिए, 14 में एक अपने से मन से जोड़ दिए कितना हुआ 15, हम लोग का बीच वाला निकल गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब बाहर वाला को जोड़ दीजिए और एक, सब बाहर वाला को जोड़ दीजिए और अपने मन से उसमें एक जोड़ दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब बाहर वाला को जोड़ दीजिए, 4 है, 7 है, 2 है और 5 है, हम बोले सब बाहर वाला को जोड़िए पहले, 7 4 11 2 13 5 18, और एक बोले हैं हम अपने मन से जोड़ लेना है, 18 एक कितना हो गया 19 हो गया, देखिए तो बीच में 19 है। उसी तरह से वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है, 9 है और 1 है, सबको जोड़ लीजिए, 2 3 5 और 9 5 14 और 1 15, और अपने मन से हम बोले थे एक जोड़ना है, 15 एक कितना हो गया 16 हो गया, बीच में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 ए नंबर में हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 @9 = 20, 9 @5 = 28 और 5 @5 = 20, तो 7 @3 = what क्या होगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही देखिए, देखिए निकालिए तो पहले आप लोग अपने से क्या होगा आंसर, ऑप्शन है 20 15 22 24। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक है, आप लोग ब्रैकेट कीजिए, ये एक लिखिए, ये @ को प्लस लिखिए और फिर 9 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या किए, ये एक था, एक लिखिए, @ को प्लस लिखिए, ये 9 9 लिख दिए, और यहाँ क्या कीजिए 2 को गुना कर दीजिए, इन इसको ब्रैकेट के अंदर जोड़िए और 2 से गुना कर दीजिए, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 10 × 2 = 20, ये वाला निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है, 9 + 5 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 9 + 5 कितना होता है 14, और 14 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 28, देखिए तो 28 निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, 5 5 10, और 10 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पूछ, इससे इसका पूछ रहा था आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए,
सात और तीन को जोड़ दीजिए और दो से गुना कर दीजिए, सात और तीन कितना हो गया दस, और दस को दो से गुना कीजिए कितना आ जाएगा बीस, यहाँ पे कितना आ जाएगा वाट की जगह में बीस, हम लोग का बीस हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का ट्वेंटी बीस। सात नंबर क्वेश्चन है, सभी कथन दिया हुआ है सभी विद्यार्थी लड़कियाँ हैं, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, ठीक है। निष्कर्ष है पहला सभी शिक्षक लड़कियाँ हैं, दूसरा है कुछ लड़कियाँ शिक्षक हैं, तीसरा है कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, और चौथा है सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। यहाँ चार को ऑप्शन दिया हुआ है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है कथन में, सभी विद्यार्थी लड़कियाँ हैं। इसका कैसा फिगर बनता है, सभी विद्यार्थी जो है वो लड़कियाँ हैं, मतलब सभी जो विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी जो है, सभी विद्यार्थी वो क्या है लड़कियां हैं, तो कैसा बनता है सभी विद्यार्थी जो है वो लड़कियां के अंदर है, यही ना हुआ, सभी विद्यार्थी जो है वो क्या है लड़कियां हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सभी बोले तो ऐसा करना है आपको, सभी विद्यार्थी जो है वो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ के अंदर है, ठीक है। आगे क्या है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, अच्छा कुछ शिक्षक जो है विद्यार्थी है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, ठीक है। देखिए विद्यार्थी है ये वाला विद्यार्थी है, ये वाला शिक्षक हो जाएगा, वो कैसे देखिए शिक्षक हो जाएगा, कुछ शिक्षक जो है विद्यार्थी है, देखिए तो यहाँ तक तो लाना पड़ेगा आपको, क्या कि बोल रहा है कुछ शिक्षक जो है वो विद्यार्थी के अंदर है, मतलब यहाँ पर लाना पड़ेगा आपको तब ना। देखिए ये वाला जो कहलाएगा अब कुछ शिक्षक विद्यार्थी कहलाएगा, ठीक है। हम लोग को यही बोल रहा था, पहले बोल रहा था सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो कर दिए सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, उसके बाद बोल रहा है कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, पहला निष्कर्ष है सभी शिक्षक लड़कियाँ हैं, देखिए तो सभी शिक्षक जो है वो लड़कियाँ हैं, देखिए तो सारा शिक्षक जो है वो लड़कियाँ हैं नहीं है। यदि इसका सही होने के लिए कैसा होना चाहिए था, फिगर देखिए, सभी शिक्षक लड़कियां होने के लिए ऐसा होना चाहिए था, सभी शिक्षक इस अंदर में शिक्षक है और बाहर में क्या है लड़कियां हैं, देखिए ये पॉइंट को सही होने के लिए ऐसा होना चाहिए था, तब ना देखिए सभी शिक्षक लड़कियां होता, यहाँ ऐसा है क्या नहीं है, मतलब पहला वाला ये निष्कर्ष नहीं होगा, सभी शिक्षक लड़कियाँ हैं क्या नहीं है, कुछ शिक्षक, यहाँ पर देखिए इस शिक्षक का फिगर है, कुछ शिक्षक जो है वो लड़कियां हैं, सभी शिक्षक लड़कियां नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है काट दीजिए इसको। आगे है कुछ लड़कियां शिक्षक है, देखिए हाँ यही तो अभी हम बता रहे, देखिए कुछ लड़कियां जो है लड़कियां हैं, ये वाला कुछ लड़कियां जो है वो शिक्षक के अंदर है, हाँ ये वाला सही होगा, कुछ लड़कियाँ शिक्षक है ये वाला सही होगा। आगे कुछ लड़कियाँ विद्यार्थी है, देखिए तो कुछ लड़कियाँ विद्यार्थी है, अब देखिए आप यदि अंदर से बाहर बोलेगा तो क्या बोलेगा, बोलना है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है। अंदर से बाहर बोल सक आइएगा तो इस तरह से बोल सकते हैं कि सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब बाहर से अंदर जाइएगा तो सब ऐसे बोलिएगा कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, ये बोल सकते हैं, बट ये आप कभी नहीं बोल सकते हैं, बाहर से अंदर जाइएगा तो आप ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि सभी लड़कियां विद्यार्थी हैं, ये आप कभी नहीं बोल सकते हैं। बाहर से अंदर जाइएगा तो कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि सभी लड़कियां विद्यार्थी नहीं बोल सकिएगा, गलत हो जाएगा, बोलना पड़ेगा आपको कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, बाहर से अंदर जाइएगा तो कुछ बोलना पड़ेगा, जबकि अंदर से यदि बाहर आइएगा कि सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं तब सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा था, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है तो कुछ बोल सकता है, सभी नहीं बोल सकता, कुछ लड़कियाँ विद्यार्थी है, हाँ कुछ लड़कियाँ विद्यार्थी है, हम लोग का ये भी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या है, सभी विद्यार्थी शिक्षक है, देखिए तो सभी विद्यार्थी शिक्षक होने के लिए वही बताएं, ये विद्यार्थी रहता ये शिक्षक रहता तब होता, ये विद्यार्थी रहता इसके अंदर है इसके अंदर शिक्षक रहता तब होता सभी विद्यार्थी शिक्षक है, पर ऐसा है क्या फिगर, ऐसा फिगर है यहाँ पे नहीं है, कुछ विद्यार्थी ना शिक्षक है, सब विद्यार्थी शिक्षक थोड़ी है, ये भी नहीं हो जाएगा होगा। हम लोग का आंसर क्या होगा, निष्कर्ष दो और तीन, देखिए तो किस ऑप्शन में दो और तीन दिया हुआ, देखिए केवल निष्कर्ष दो और तीन लागू होगा, मतलब हम लोग का तीन नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्न दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अब बोल रहा है ऐसा चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जिसका पूरा अक्षर नहीं है। देखिए ऐसा सब सवाल में आप लोग यही गौर कीजिएगा, दो तरह का सवाल रहता है इसमें। एक आपको बोलेगा कि प्रयोग शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उसका मतलब होगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा अक्षर इसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। देखिए तुम BASTION, हाँ इसका तो पूरा अक्षर यहाँ पे है, मतलब ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, जिसका पूरा अक्षर नहीं रहेगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा होगा, क्योंकि नहीं बनाया जा सकता बोल रहा है, इसका तो है मतलब ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। इसको चेक करते हैं TRUST, हाँ इसका भी पूरा अक्षर यहाँ पे है, इसका भी पूरा अक्षर यहाँ पे है, तो ये वाला भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, वो वाला ऑप्शन होगा जिसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है। इसको देखते हैं RI, RIB, फिर B है, देखिए तो हाँ यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, इसमें दो गो B है, ठीक है इसमें दो गो B है, बट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक ही गो B है, हम लोग को यही पूछ रहा है कि किसका मतलब पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग का सी नंबर ही आंसर हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे दो गो B है बट इसमें एक ही गो B है, यहाँ पे दो गो B है एक ही गो यहाँ पे B है, मतलब यहाँ हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, इसका पूरा अक्षर यहाँ पे नहीं है, चूँकि यहाँ पे दो गो B था यहाँ पे एक ही गो B है, हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है, यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। ठीक है, ऑप्शन है 34, 36, 35, 37। एसएससी सीजीएल द्वारा 19 से पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर है, ठीक है अमन जो है ऊपर से कितने नंबर पे स्थान पे है, अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पहले 11 लड़का होगा। आप ऐसा सवाल जब भी रहेगा आप इसी तरह से बनाइएगा, आपका कभी भी गलत नहीं बनेगा। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर था, तो उससे पहले 11 लड़का रहा होगा तभी ना उसका 12वां स्थान आएगा, 12वां नंबर आएगा, उससे पहले 11 रहेगा तब उसका 12वां नंबर आएगा, ठीक है। तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर, ठीक है बमन नीचे से 18वें स्थान पर है, इससे इसका मतलब हुआ उससे नीचे में 17 है, मोबाइल बंद करो, उससे नीचे 17 है तब ना उसका स्थान 18वां आएगा। देखिए बमन नीचे से 18वें स्थान पर है, इसका मतलब ये है कि उससे नीचे 17 लड़का है, उसके बाद ना 18वां स्थान आएगा बमन का। आगे क्या, यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं, अच्छा ए फॉर अमन बी फॉर बमन, अमन तथा बमन के बीच में कितना लड़का है, 6 लड़का है, ठीक है अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़का है, तो पंक्ति में अधिकतम कितना लड़का है? एक बार पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं, आप लोग देखिए लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है, अमन जो है ऊपर से कितने स्थान पर, अमन जो है ऊपर से 12वें स्थान पर, इसका मतलब उससे पहले 11 लड़का है तब ना उसका स्थान 12वां आएगा। फिर बोल रहा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है, बमन नीचे से 18वें स्थान पर, इसके मतलब हुआ इसका मतलब उससे नीचे 17 है तब ना उसका स्थान 18वां आएगा। आगे क्या है, यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के, ठीक है ए फॉर अमन बी फॉर बमन, अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के, तो पंक्ति में कितना लड़का अधिकतम गिन लीजिए, अब 11 एक अमन 12 यहाँ 6 लड़का, 12 6 18 और एक बमन, 18 1 19 और 19 और यहाँ है 17, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6 हाथ में रहा 1 1 1 2 और 1 3। देखिए यहाँ 11 था, 1 12 12 6 18 एक बमन 18 1 19 यहाँ पर नीचे 17 था, ठीक है नीचे में 17 है, तो 17 और 19 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा
सिक्स हो जाएगा, हम लोग का देखिए तो 36 बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में PRIEST को OQHDRS लिखा जाता है, तदनुसार PRISTINE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो रहा है। देखिए देखिए तो क्या हो रहा है, ये P है, RIEST है, OQHDR, इसको क्या करके ये बन रहा है। देखिए तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटा दीजिए, देखिए तो उल्टा चला। देखिए ओ में एक बढ़ाइएगा तो पी होगा, उल्टा इधर से इधर बन रहा है, ओ में एक बढ़ाइएगा तो पी होगा, उसी तरह से क्यू में एक बढ़ाइएगा तो आर होगा, उसी तरह से एच में एक बढ़ाइएगा तो आई होगा, डी में एक बढ़ाइएगा तो ई होगा, आर में एक बढ़ाइएगा तो एस होगा, और एस में एक बढ़ाइएगा तो टी होगा। उल्टा में एक बढ़ रहा है, इधर से एक बढ़ रहा है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग का पूछ रहा है इसका क्या होगा, तो इसका इसका जो आंसर होगा उससे एक बढ़ रहा है। क्या देखिए, इसका बोल रहा है, इसका आंसर से क्वेश्चन की तरफ एक बढ़ रहा था, तो देखिए पी में पहले क्या होगा, ओ, देखिए यहाँ पे आंसर लिखते हैं, यहाँ पे ओ होगा, ओ में ना एक बढ़ाइएगा तो पी हो जाएगा, कहीं यहाँ देखिए ओ से एक बढ़ा, मतलब इधर से इधर बढ़ रहा था तो इधर भी आंसर से इधर बढ़ेगा, ओ में एक बढ़ाइएगा पी होगा, क्यू में एक बढ़ाइएगा तो आर होगा, ठीक है, उसके बाद एच में एक बढ़ाइएगा तो आई होगा, ठीक है, उसके बाद आर में एक बढ़ाइएगा तो एस होगा, उसके बाद एस में एक बढ़ाइएगा तो टी होगा, उसके बाद एच में एक बढ़ाइएगा तो आई होगा, उसके बाद एम में एक बढ़ाइएगा तो एन होगा, उसके बाद डी में एक बढ़ाइएगा तो ई होगा। चूँकि देखिए इधर से इधर बन रहा था तो हम लोग का भी आंसर से ई बनेगा, तो देखिए इसमें एक एक बढ़ाइएगा तो ये वाला निकलेगा, हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, OQHRSHMD किस ऑप्शन में है, देखिए आप OQ, देखिए तो यहाँ पे देखिए OQHRSHMD हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपका 10 में से कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और आपको आज का क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको सारा क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन बताते हैं वो सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2020 अभी तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग डेली संडे को छोड़ कर डेली मेरे साथ आधा घंटा लगभग जुड़ के ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमको नहीं लगता आपको रीजनिंग फिर एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।